आसक्ति किसी चीज़ से है या नहीं कैसे पता लगता है? सिंपल है, आप भगवान का नाम जप करो, ऐसे माला पे करते हैं तो माला पे आप करोगे ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मन के पे पूरा मंत्र, दूसरे पे तीसरे पे। अगर आसक्ति होगी किसी चीज़ से तो मन भाग जाएगा, वहाँ लगेगा ही नहीं। जिस चीज़ में आसक्ति होगी वहीं भाग जाएगा, अगर आसक्ति नहीं होगी तो पूर्णता लग जाएगा भगवान के नाम में। इसीलिए हमारी संस्कृति में जप करना था। कई लोग कहते हैं हम मन में नाम ले लेंगे, उससे पता नहीं लगेगा आपको। वो तो कभी भी ले सकते हो, अच्छा है मन में नाम लेना, वो भी लो तो बहुत अच्छा है, मगर उससे आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप आसक्त हो संसार से नहीं हो, कहाँ आ सकती है कहाँ नहीं है। अब जप करने बैठोगे तब मन भागेगा, और जहाँ भाग रहा है वहीं आ सकती है। अगर आसक्ति नहीं है तो मन लग जाएगा नाम, इससे पता लग सकता है, और कोई तरीका नहीं है पता लगाने का। इसलिए हमें कई लोग बोलते हैं कि कई लोग हम मिलते हैं तो कहते हैं हम तो आसक्त नहीं हैं, मतलब मैं जब अपने घर छोड़ा था तो मैं घर छोड़ के हरिद्वार भाग गया था, तो वहाँ रहा था ना मैं 6-7, हरिद्वार के ऊपर नीलकंठ नहीं है, तो वहाँ 6-7 महीने रहा था मैं। तो वहाँ पे तो कई ऐसे मतलब कई बाबा जीज हैं, कई अघोरियाँ भी हैं वहाँ पे नीलकंठ में होते हैं, तो वो सब कह रहे थे हम आसक्त नहीं हैं, हम वैरागी हैं। मैं तो नया था, मैंने कहा ठीक है भाई जो भी है मुझे क्या पता, मगर क्या है फिर जब मैं वहाँ पे रहा 6-7 महीने तो मैंने देखा यार ये तो अपने धोती के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा भी होता है, कमंडल के लिए लड़ रहे हैं। या सुबह सुबह हरिद्वार में आप देखो कभी कभी सुबह सुबह ना चाय बांटने वाले जो दानी होते चाय देते हैं तो लाइन में खड़े होते हैं सारे साधु, फिर वो वहाँ लड़ रहे हैं लाइन में। आपको जो टूरिस्ट को नहीं पता लगेगा, जो वहाँ पे रहेगा उसको पता लगेगा, मैं तो रह लिया ना उनके साथ गंगा के किनारे, वहीं सोता था उनके यहाँ रहता था, तो उन्होंने सबको छोड़ दिया फिर भी आ सकते हैं। तो मैं वही कह रहा था घर छोड़ना ना छोड़ना उससे नहीं पता लगता, आपकी जितनी आसक्ति भगवान में होगी उतनी आसक्ति संसार में कम होगी, बस ये रूल है, चाहे आप यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो। मगर वो पता कैसे लगेगा? वो पता लगेगा जप से। तो अगर हम जप करेंगे माला पे तो मन फिर बताएगा कहाँ है वो। कभी कभी जप करते हुए नींद भी आ जाएगी आपको, नींद ही आ जाएगी, इसका मतलब अभी हम तमोगुण से आ सकते हैं, आलस्य से आ सकते हैं तभी नींद आ रही है। मन भागेगा जब करते वक्त, अगर आप पैसे से आ सकते हो पैसे का ध्यान आएगा, बच्चे से आ सकते हो बच्चे का ध्यान आएगा, खाने से आ सकते हो खाना होने का, अगर किसी से आ सकती हो तो भगवान और आप बस, क्योंकि भगवान का नाम भगवान खुद है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, वो अनुभव आ जाएगा तो आ सकते हैं, बस ऐसे पता लगा।